कृष्णा जी की कुछ कविताएं जो बुद्ध के ऊपर लिखी हैं उन्होंने, उनको मैं शेयर करता हूं। बहुत ही खूबसूरत, सुने, आनंद लें, मैं उन पर कुछ बात करूंगा। चेतन लिखते हैं कि बुद्ध आज भी जीवंत हैं। बिल्कुल जीवंत हैं, हमारे भीतर, तुम्हारे भीतर। बुद्ध कभी मरते नहीं, वो हमेशा जीते हैं, आज भी जीते हैं। इस पार मैं बैठा हूँ, उस पार तुम बैठे हो, ये बुद्ध ही तो बैठे हैं। अब सुने कविता और इसी बात को देखें, उसकी ईको, उसकी खूबसूरती देखें, एक एक शब्द का जो रहस्य है वो देखें। बुद्ध नहीं है मठों, स्तूपों, विहारों या शब्दों और मंत्रों में, वो तो है मनुष्य के अंतरतम में, छुपी बुद्धत्व की संभावना में, प्रत्येक हृदय में फूटती दुख मुक्ति की राह में, और जीवन के अंधेरे में स्वयं के भीतर से जागते प्रकाश में। बुद्ध नहीं है व्याख्याओं में, वो तो है प्रतीति में, काल के चिरंतन प्रवाह में घुली प्रीति में। बुद्ध का होना है स्वयं का होना, बिना किसी सीमा, धारणा, अनुमान और बिना किसी विकल्प व अवलंब के। ये है बुद्ध का वास्तविक होना। उनको ढूंढने जाएंगे तो किसी मठ में न ढूंढें, स्तूप विहार में न ढूंढें, शब्द मंत्र में न ढूंढें कि चैंट करेंगे तो बुद्ध से जुड़ जाएंगे। ये सारी चैंटिंग वेंटिंग जो है ना, ये सब बुद्ध से दूर करने का मार्ग है, पास लाने का नहीं। मनुष्य के अंतरतम में छुपी बुद्धत्व की संभावना में, प्रत्येक हृदय में फूटती दुख मुक्ति की राह में बुद्ध हैं, जीवन के अंधेरे में स्वयं के भीतर जागते प्रकाश में बुद्ध हैं। उसको देखना है, उसको समझना है, तो बुद्ध से साक्षात्कार होगा। नहीं है व्याख्याओं में, विश्लेषणों में, इसीलिए उनके वचनों पर क्या बोलें। बोलने का कई बार मेरा मन होता है, लेकिन फिर मुझे लगता है पहले भी तमाम लोगों ने बोल दिया है, फिर उन्हीं बातों को क्या, कभी मन आया तो बोल भी देंगे। कोई हम ऐसी बात नहीं कहते कि वही अंतिम सत्य की, ऐसा नहीं करेंगे। कभी लगा कुछ अच्छा तो बोले, लेकिन बोलते हैं तो लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं उनकी व्याख्या करने की। वो तो है प्रतीति में, यानी कि जीने में है वो, काल के चिरंतन प्रवाह में घुली प्रीति में। ये जो समय का अनंत चक्र चल रहा है, उसकी जो धारा बह रही है, उसमें जो प्रेम घुला है, उसमें वो शामिल हैं। बुद्ध का होना स्वयं का होना है, स्वयं का होना, अपने होने को रियलाइज करना, रियलाइजिंग द सेंस ऑफ आई एम, मैं हूँ, इसको जान लेना, बुद्ध को जान लेना है। बिना किसी सीमा, धारणा, अनुमान, कोई सीमा न लगाएं, धारणा न आरोपित करें, अनुमान न लगाएं, स्पेकुलेट ना करें, कोई विकल्प और अवलंब भी ना लें, यानी कोई विकल्प ढूंढें, कोई सहारा ढूंढें, कोई बैसाखी ढूंढें, तो भी बुद्ध को नहीं ढूंढ पाएंगे। तो ये बहुत प्यारी बात है, अपने आप में कंप्लीट वर्स है। जैसे बुद्ध के वचन अपने में कंप्लीट है, वैसे ही पूरी बात है। इस पर मैं एक घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन अभी संक्षेप में बात की, वो अपने आप में सारी बात है। फिर एक और बात सुने, एक और रचना उनकी। बुद्ध ने रचा इतिहास या इतिहास ने रचा बुद्ध को, बुद्ध ने रचा इतिहास या इतिहास ने रचा बुद्ध को, जिंदगी ने पुकारा, संवारा और सहेजा बुद्ध को, या फिर बुद्ध ने पुकारा, संवारा और सहेजा जिंदगी के रहस्य को। समझे, जिंदगी ने पुकारा, संवारा और सहेजा बुद्ध को, या फिर बुद्ध ने पुकारा, संवारा और सहेजा जिंदगी के रहस्य को। वक्त इस पे खामोश है, क्या कहेगा कोई, वक्त इस पे खामोश है, और खामोशी से झरती है करुणा, जिसमें शामिल है रंग शांति के, प्रेम के, अभय के, विनय के, सरलता, सहजता और सजगता के। एक गहरा आश्वासन दुख मुक्ति का
डोलता है इतिहास और जिंदगी के आर पार। बुद्ध को जिंदगी रचती है, जिंदगी को रचते हैं बुद्ध। जिंदगी पुकारती है बुद्ध को तो उनका घटना हो जाता है, और फिर बुद्ध भी पुकारते हैं जिंदगी को। ये एक वर्तुल है, जिंदगी के रहस्य को वो कुछ और रंग दे जाते हैं, और वो रंग शांति के, प्रेम के, अभय के, विनय के, सरलता, सहजता और सजगता के होते हैं, जीवन को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। बुद्ध का होना होता है एक गहरा आश्वासन दुख मुक्ति का, जो डोलता है इतिहास और जिंदगी के आर पार। बुद्ध का होना कुछ भी नहीं, न ज्ञान, न दर्शन, न फिलॉसफी, न भारी भरकम बातें, न ये मंत्र, न तंत्र, न आयोजन, न मठ, न स्तूप, न ये तीर्थयात्राएं, कुछ भी नहीं। बुद्ध का होना है एक आश्वासन दुख मुक्ति का, कि है संभव जीवन के दुख से मुक्ति, है संभव कि हम इस दुख को समाप्त कर सकते हैं। और ये आश्वासन जिंदगी के आर पार, इतिहास के आर पार, समय के आर पार डोलता है। वही है बुद्ध का होना। बुद्ध को कहीं ढूंढना है तो बुद्ध के आश्वासन में ढूंढे, और वो आश्वासन यही है कि देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी फॉर द एंड ऑफ सफरिंग। ये सफरिंग, ये दुख जो परिव्याप्त है, ये अंत हो सकता है, इसका अंत होगा। और मैं आज के लिए इस बात को यहीं विराम देता हूँ, बुद्ध पूर्णिमा के इस उत्सव को, ये जो सिलसिला उत्सवपूर्ण रहा। और ये आश्वासन मैं भी बुद्ध के माध्यम से सबको देता हूँ कि इस तरह हम लोग चलते रहेंगे, ये खूबसूरत संघ हमारा सीमा रहित, प्रेमपूर्ण, धारणा रहित चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो दुख से मुक्ति घटेगी। ये आश्वासन हमेशा रहेगा, और जब भी कभी ढूंढना हो तो उसी में ढूंढना बुद्ध को। मुझे भी कभी याद करना हो तो इस तरह से याद नहीं करना कि कोई चमत्कार, कोई फिलॉसफी। याद करना मुझे मेरे प्रेम के लिए, मेरे भरोसे के लिए, और इस आश्वासन के लिए कि ये संभव है कि ये जो दुख जीवन में परिव्याप्त है वो समाप्त होगा, निश्चित समाप्त हो।